Hello students, dear students, I hope you all are fit and fine at your home. Dear students, today I am going to start your new chapter. The name of chapter is Respiration in Organisms. Okay, students, before going further to respiration, I want to ask something to you. So, what is breathing? Okay, you all know about the breathing, and we all have listened many times that taking of oxygen and releasing of carbon dioxide in the nature is known as the breathing. Means the process in which we take the oxygen from the air and through the lungs, and we release the carbon dioxide from the body to the environment is known as the breathing. Got it? So you can say the taking in the oxygen, okay, is known as inhalation. क्या कहते हैं इसको? Inhalation. And the releasing of CO2 is known as exhalation. Got it, students? So these are the two processes which alternatively occurs in our body during release out the gases. हम जो कोई भी काम करते हैं टू बिकम अ लाइफ, देर इज अ नेसेसरी पॉइंट, और यू कैन से देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आर बॉडी, बिकॉज बाई टेकिंग द ऑक्सीजन वी आर एबल टू सर्वाइव इन द नेचर. हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, तभी हम नेचर में क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, है ना, द हार्मफुल गैसेज विच आर सिक्रीटेड, यू कैन से सिक्रीटेड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड मटेरियल. जो फूड मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है बॉडी में, या ये हम आगे रेस्पिरेशन में अपन रीड करेंगे कि CO2 जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, वो बाहर निकलती है. तो ये दोनों जो प्रोसेस है ये अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं. इनहेलेशन, वी ब्रेथ इन, टेकिंग इन द ऑक्सीजन, वी रिलीज CO2. इन दिस प्रोसेस वी आर नॉट टेकिंग सो मच टाइम फॉर taking in and breathe out the oxygen, and we do not focus on this point that when we are going to breathe and when we are going to release the CO2. It's a natural process which occur in our body naturally, है ना. ये हमारी body के अंदर अपने आप होता रहता है, continuous process है, ये चलता रहता है. तो इसके लिए हमें कोई particular time देने की कि अब हम सांस लेंगे, अब हम सांस छोड़, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अकर्स नेचुरली इन आर बॉडी, ये नेचुरली हमारी बॉडी में चलता रहता है. तो ये क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं एक कंप्लीट जो ब्रीथ जो होती है वो क्या कहलाती है, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इंक्लूडिंग बोथ ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द वन ब्रीथ. इसको अपन क्या बोलेंगे, वन ब्रीथ बोलेंगे. और ये जो ब्रीथिंग अपन करते हैं, ब्रीदिंग पर मिनट, कितनी ब्रीदिंग अपन एक मिनट में कर पाते हैं वो कहलाती है ब्रीदिंग रेट. क्या कहलाती है, ब्रीदिंग रेट, जो हम इसी चैप्टर में रीड कर रहे हैं. गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग एंड द ब्रीदिंग रेट. स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, अपन ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं बोलते, ब्रीदिंग के थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है ना. ब्रीदिंग होती है तो रेस्पिरेशन होता है. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो हम रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेस्पिरेशन मींस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, the process of breakdown of food with release of energy is known as respiration. Got it?
हम जो भी चीज खाते हैं है ना, जो भी अपन ने खाना खाया तो वो खाना जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है जाके, और वो उसका ब्रेक डाउन होता है। उसका ब्रेक डाउन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में, द ऑक्सीजन विच वी हैव टेकन थ्रू द, कई बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कई बार ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी होता है। उससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, मे बी इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मे बी इट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई बार ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही हमारे अंदर जो ह्यूमन बींग्स में है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑब्वियसली इट रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल हमारी बॉडी में फूड मटेरियल के लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है और वो अनदर सब्सटेंस बनाते हैं, जो बाई प्रोडक्ट हैं उसके कुछ अलग बनेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग बनेंगे। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन क्या हुआ, ब्रीदिंग तो क्या हुआ, ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी। फूड का ब्रेक डाउन एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। ओके, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, आवर बॉडी इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज नोन एज द सेल। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। सेल मेक द टिश्यू, टिश्यू मेक द ऑर्गन, ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक द बॉडी, है ना। वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुई, सेल। मीन्स द ब्रीदिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेल और रेस्पिरेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेल। ये द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आर बॉडी। ऑल द फंक्शंस अकर इन आर बॉडी प्रोसीड बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल। सेल की वजह से ही, यानी कि सेल ही सारे फंक्शन करती हैं, फिर वो ग्रुप्स में आ जाती है तो वो टिश्यू बना लेती है, फिर वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो काम कहाँ से शुरू हो रहा है, सेल से, स्मॉलेस्ट यूनिट से शुरू हो रहा है ना। तो ये हो गए स्मॉलेस्ट यूनिट। तो रेस्पिरेशन अपन कह सकते हैं वो कहाँ से शुरू होगा, सेल से शुरू होगा, है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन टू द टू रिलीज द एनर्जी, अपन ये कह सकते हैं इन द सेल्स इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोसीड हो रहा है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव टू आस्क द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन द कीवर्ड ऑल्सो, ये कीवर्ड में भी अपने को पूछी जाएगी। तो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन अगर पूछा जाए तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेल्स इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। गॉट इट। तो ये हमारा हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इन टू टू वेज। रेस्पिरेशन को अपन दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, दो तरह का होता है। एक को अपन बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर इज नोन एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के कितने टाइप हो गए, दो हो गए, कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज नोन एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नेम यू कैन डिफाइन दिस आल्सो, एरोबिक रेस्पिरेशन विच अकर इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड क्या हो, फूड मीन्स यू कैन टेक द एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है ना, हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें हो, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये क्या बना रहा है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, मैं सिंबल लिख रही हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली व्हाट वी रिक्वायर्ड, एनर्जी, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या कहलाए ये, एरोबिक रेस्पिरेशन। गॉट इट।
दिस इज अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारे अंदर एरोबिक, ऑब्वियसली वी नीड ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे मैं बताती हूँ क्या होता है अगर ऑक्सीजन की सफिशियंट अमाउंट हमें नहीं मिल पाती है तो क्या होगा फूड के साथ में। लेट्स सी, तो ये तो हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन अकर इन द अब्सेंस ऑफ, यू कैन से इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में तो क्या बना था, CO2, H2O और एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस ध्यान रखना, अब्सेंस मीन्स देयर इज नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तब अगर फूड का ब्रेकडाउन होता है द फूड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इसमें जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें अल्कोहल मिलेगा मींस, और उसमें स्मेल भी आएगी क्योंकि वो एक तरह से सड़ गया है, तो एयर सप्लाई जब नहीं होती है तो उसमें रोटन स्मेल आती है। तो अल्कोहल में जैसे स्मेल आएगी, ऑब्वियसली वी नो द स्मेल ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल की जो स्मेल है वो इसी वजह से है बिकॉज द फूड पार्टिकल्स है ना, फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ये कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको बोलते हैं अपन एनारोब्स, क्या बोलते हैं, एनारोब्स, एनारोब्स। और इसका एग्जांपल है यीस्ट, यीस्ट ऐसा एग्जांपल है जिसमें रेस्पिरेशन जो है, फूड का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये एनारोब कहलाता है। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टूड, सो दिस इज अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ, तुमने ये देखा होगा when we during the cycling process or during the heavy exercise we feel you can say our body need the more demand of oxygen, हमारी body को oxygen की और ज़्यादा demand हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कई बार हम हाँफने लग जाते हैं ना, और ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं और हम क्या है, मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करेंगे, कभी भी हम रनिंग करके आते हैं या खेल के आते हैं या हम वॉकिंग करके आते हैं या हम दौड़ के आ रहे हैं या हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, वी फील सम टायर्डनेस एंड वी वॉन्ट टू टेक द रेस्ट एंड वी ब्रीथ फास्टर, है ना, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द ऑक्सीजन बाई ओपनिंग आर माउथ, हम अपना मुंह खोल के और इस तरह से हम सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम, उस टाइम हमारी बॉडी की जो डिमांड होती है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑब्वियसली हम बढ़ के आए हैं तो एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, एनर्जी अपने बॉडी में कैसे मिलेगी अपने को, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेकडाउन कब हो रहा है, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सफिशियंट अमाउंट जा रहा है तो एनर्जी रिलीज है वो सफिशियंट हो जाएगी। लेकिन जब हम दौड़ के आते हैं या भाग के आते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन है वो यूज़ में आ जाती है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्रम्प्स हो जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं उसमें पेनफुल अपने को लगता है ना। तो ये कंडीशन कब आती है, जब ऑक्सीजन की सफिशियंट सप्लाई नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो एनर्जी सप्लाई इज लिमिटेड देयर, एनर्जी की सप्लाई क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो इसकी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक, वैसे हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं रहता, लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या हम दौड़ते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है
तो वो कैसा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और उस रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो हमारा फूड मटेरियल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड देगा। इसमें लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो क्या रिलीज कर रहा है? लैक्टिक एसिड। और इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, आर बॉडी फील पेन, हमारी मसल्स हैं वो क्रम्प्स और मसल क्रम्प्स आ जाएंगे और हमें क्या होगी, थकान होगी, खिंच रहे हैं कहीं पे, पैर खिंच रहे हैं कहीं, हाथों में दर्द हो रहा है दौड़ने से भागने से, तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके अंदर दर्द होने लगता है अपने को, उनमें क्रम्प्स आ जाते हैं। तो वो क्या होता है इसमें, क्योंकि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, या सॉरी जो रेस्पिरेशन है, या हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन है फूड का, वो इसमें पार्शली होता है, कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। तो पार्शली होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि जो फूड है वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगी या ब्रेकडाउन नहीं होके, या सिंपली अपन क्या